हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। आज दोस्तों हम 17 बीपीएससी क्रैश कोर्स का छठा वीडियो है जो आपके सामने ला रहे हैं, और ये जो वीडियो है जो दोस्तों है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री पार्ट से है और यूपीएससी बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछती है उसको है जो आपके सामने है जो लाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों है जो इस बार 1000 प्लस सीट है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों कि आप है जो अधिकारी की श्रेणी में है जो आ सकते हैं। कल ही दोस्तों है जो मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, तो सप्लाई इंस्पेक्टर के पोस्ट करीब करीब 200 है जो बीपीएससी को अभी ये जो मिल चुके हैं, और धीरे धीरे है जो संख्या है जो इसकी है जो बढ़ेगी, तो टोटल 1000 सीट है जो मिलेगा। तो टोटल 20 वीडियो आएगा दोस्तों, क्रैश कोर्स में टोटल 20 वीडियो आएगा। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार को है जो हम फोकस कर रहे हैं, जिससे जो 110 नंबर है जो आप है जो जरूर है जो प्राप्त है जो कर ले। तो हमें उम्मीद है कि आप है जो जरूर है जो इस बार है जो सफल होंगे। तो दोस्तों है जो आपका मेरा साथ है जो सब्सक्राइब आप किए, और सब्सक्राइब करने के बाद है जो आपका संबंध मेरे के साथ है जो इस प्रकार जुड़ा रहेगा, जैसे है जो कि कहीं ना कहीं है जो एक बॉन्डिंग है जो होती है, और एक बॉन्डिंग जब जहाँ बनती है तो वहाँ पर है जो रिजल्ट है जो अपने आप है जो निकल कर आता है। तो निश्चित रूप से है जो आपका जो सहयोग है मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हिस्ट्री पार्ट का यूपीएससी बेस्ट क्वेश्चन है जो हम है जो आज करेंगे, करीब करीब 1 घंटा का है जो ये पूरा लेक्चर होगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। पूरे वीडियो को है जो जरूर देखिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर लीजिएगा, और लोगों के बीच शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का। सब देखिए जो भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है सब यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, 1995 में यूपीएससी में क्वेश्चंस को पूछा था। बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस को है जो ज़्यादा है जो प्रेफर करती है, इसलिए है जो इस तरह के क्वेश्चंस को है जो हमने बनाने का है जो प्रयास किया है। पहला क्वेश्चन है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग है जो किसने किया था। पहली बार जो हिंदू शब्द का प्रयोग है जो किसने किया था, इसके ऑप्शंस हैं यूनानी ने, रोमनों ने, चीनियों ने और अरबों ने। आप जानते हैं कि दोस्तों है जो हिंदू शब्द का प्रयोग है जो सबसे पहले जो किसने किया था, तो आप कमेंट बॉक्स में भी है जो अपना आंसर को है जो देते चलिए कि आपका कितना है जो इसमें है जो सही होता है। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है जो कहाँ डेप्थ तक है जो तैयारी है। तो आप जानते हैं कि जो अरबों ने जो सिंध प्रदेश था जिसको है जो सिंधु प्रदेश कहा जाता था, उसने स के स्थान पर है जो किसका प्रयोग करता था, हा का प्रयोग करता था। तो सिंधु के जगह है जो उन्होंने क्या है जो बोला, हिंदू बोला। और कहा जाता है कि अरबों ने है जो सबसे पहले है जो हिंदू शब्द का है जो प्रयोग किया। पूरा डिस्क्रिप्शंस के साथ हम चलेंगे ताकि जो किसी भी तरह का क्वेश्चन है जो आपका है जो न छूटे, और कलम कॉपी है जो लेकर बैठिएगा, इस तरह के पॉइंट्स टू द पॉइंट्स नोट्स है जो बनाते हुए चलिएगा कि लास्ट में आप रिवीजन है जो कर सके। तो दोस्तों है जो पहला क्वेश्चन है कि हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग है जो किसने किया था, तो किसने किया था, तो अरबों ने है जो प्रथम बार है जो प्रयोग किया था। चलिए आप है जो जल्दी जल्दी है जो आप है जो सब्सक्राइब है जो कर दीजिएगा। हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग अरबों ने किया था। अरबी लोगों ने स के स्थान पर ह शब्द का प्रयोग करते थे, अतः सिंधु को उन्होंने है जो हिंदू कहा। ये चीज़ है किताबुल अल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का है जो प्रयोग है जो किया गया है। ये भी है जो इस तरह के है जो पॉइंट्स नोट्स है जो करते रहिएगा, किसमें है जो प्रयोग किया गया है, किताबुल हिंद में। चलिए तो कहीं से है जो क्वेश्चन छूटने का है जो कोई है जो प्रयत्न है जो यहाँ पर नहीं बनता है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मिलाने वाला क्वेश्चन है। बीपीएससी ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है, सूची 1 और सूची 2 को है जो सुमेलित कीजिए। ये भी है जो 1995 में क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी। तो पहला है दोस्तों विक्रम संवत, दूसरा है शक संवत, तीसरा है गुप्त संवत, तीसरा है कलि संवत। तो आप जानते हैं कि विक्रम संवत और शक संवत आप है जो इस सब क्वेश्चन को जानते हैं, लेकिन आप जब एग्जाम में बनाइए तो आप दिमाग को है थोड़ा शांत रखिए, कहीं उल्टा पुल्टा है जो गलती है जो मत कर दीजिएगा। तो विक्रम संवत है जो दोस्तों आप जानते हैं कि 58 ईसा पूर्व में, शक संवत आप जानते हैं 78 ईसा पूर्व में, गुप्त संवत जाते हैं 319-320 में, और कलि संवत है जो दोस्तों है जो 3102 में। तो ये है जो आपका है जो आपका मिलान हो गया। ये है जो 248 ईसा है जो कलचूरी का है, किसका है दोस्तों, कलचूरी का है। तो है जो ये तो ऑप्शन छठी जाएगा, ये है ही नहीं। तो मिला लीजिए, एक का है जो कौन हो जाएगा, एक का है जो 4 हो जाएगा, फिर बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा, सी का हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डी का है जो 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, हो जाएगा डी हो जाएगा। तो इस सब की चीज़ को आज लिखने का है जो प्रयास कीजिए कि है जो एग्जाम के समय है जो किसी भी तरह का है जो क्वेश्चन है जो आपसे न छूटे, और इस प्रकार का आप जब तक है जो प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक आप पढ़िएगा नहीं, जब तक आप क्वेश्चन है जो कन्फ्यूजन में ही रहिएगा। यहाँ पर ईस्वी पूर्व और ईस्वी ये जो ध्यान रखिएगा, इसीलिए विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व ये है जो ये सब चीज़ है जो थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में है जो पूछा जाता है। तो ये
सब चीज़ को भी है जो प्रयास कीजिएगा रखने का। चलिए तो आपका ऑप्शंस क्या हो गया, डी ऑप्शंस हो गया। चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है कि अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः किस नाम से है जो उल्लेख किया गया है, जो अशोक महान थे दोस्तों उनका है जो अपने शिलालेख में जो सामान्यतः किस नाम का है जो उल्लेख है जो किया गया है उसको है जो बताना है, चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति और प्रियदर्शी। ये है जो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप जानते हैं कि बीपीएससी में है जो कुछ क्वेश्चंस को है जो हल्का भी पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट टाइप का रहता है, कुछ डिफिकल्टी लेवल का भी रहता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को है जो मिलाकर है जो बनाने का है प्रयास किया है। ये भी 1995 में क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। तो अशोक ने अपने शिलालेख में समानता है जो जिस नाम का उल्लेख हुआ है वो नाम है दोस्तों है जो प्रियदर्शी है। कौन सा नाम है, वह नाम है प्रियदर्शी। आप है जो ऑप्शन नंबर डी के साथ है जो जा सकते हैं। चलिए अब इसके कुछ डिस्क्रिप्शंस अगर पढ़ना है तो वहाँ पढ़ लीजिए। अशोक के अधिकांश शिलालेख एवं अभिलेखों में उसे प्रियदर्शी के नाम से जो जाना जाता है। अधिकांश जो है उनके शिलालेख और अभिलेख में है जो उसे प्रियदर्शी ही कहा गया है। यद्यपि कुछ शिलालेखों में है जो देव नाम प्रिय तथा अशोक का नाम की भी है जो उल्लेख मिलता है। तो है जो दोस्तों है जो ऑप्शंस के अनुसार अगर प्रियदर्शी आ जाए तो आप प्रियदर्शी मारिएगा, देव नाम प्रिय आ जाए तो देव नाम प्रिय मारिएगा, तथा अशोक का नाम का भी है जो मास्की जो अभिलेख है उसमें भी है जो अशोक का नाम है जो अशोक है जो मिलता है। तो ये सब क्वेश्चन है जो आपको है जो एग्जाम में है जो पूछ सकता है। जल्दी से है जो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए लोगों के साथ जो इम्पोर्टेंट जो है। चलिए आगे है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय, एकदम बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। आप एकदम है जो इसको बीबीआई मान लीजिए। ये सब क्वेश्चन है जो हमेशा बीपीएससी पूछी है, इसीलिए ये सब क्वेश्चंस को क्वेश्चंस क्या लिखना है क्या पढ़ना है यही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। किताब में बहुत सारी चीज़ें होती है तो आपको चूज करना है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। ये जब आप सीख जाइएगा तो आप है जो आप सक्सेस की दीवार कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं आप। तो निश्चित रूप से है जो यवन प्रिय एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, बीपीएससी हमेशा इस क्वेश्चन को जो पूछी है। तो यवन प्रिय किसको है जो किस शब्द का गोतक है, तो एक प्रकार के उत्कृष्ट। और आप है जो कमेंट बॉक्स में आंसर है जो देते जाइएगा, कमेंट बॉक्स में कितना सही हुआ आप है जो जरूर टोटल बताइएगा कि टोटल में कितना है जो सही हुआ है। तो एक प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय मलमल का है, हाथी दांत का है, नृत्य के लिए यवन राजसभा में भेजी जाने वाली नृत्यों का है, और तीसरा चौथा है जो काली मिर्च का। तो यवन प्रिय जो है दोस्तों है जो किसको जो डिनोट करता है, काली मिर्च को है जो डिनोट करता है, किसको करता है, काली मिर्च को है जो डिनोट करता है। चलिए यवन इंडो ग्रीक, अब इसके कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यवन इंडो ग्रीक थे, उन्हें काली मिर्च बहुत अधिक पसंद थी, इसलिए काली मिर्च का नाम है जो उन्होंने है जो यवन प्रिय है जो किया, तब से है जो इसी को यवन प्रिय के नाम से है जो जाना जाता है। तो काली मिर्च जानते हैं कि है जो किसके नाम से जाना जाता है, यवन प्रिय के है जो नाम से है जो जाना जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन है जो बीपीएससी है जो हमेशा है जो पूछते रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों में संभव है। आप जानते हैं जो दर्शन पर हैं दोस्तों, आप है जो उत्तर मीमांसा पर हैं, पूर्व मीमांसा पर हैं, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा के जो जनक कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अनुसार क्वेश्चन कर रहा है कि दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किस साधनों से संभव है। तो जो है जो मुक्ति है जो किन साधनों से संभव है, मीमांसा में किस प्रकार की है जो बातें है जो की गई है, तो ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म। तो जानते हैं दोस्तों कि आप पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा में है जो दोस्तों है जो धर्म की है जो बात की गई है, और मीमांसा में है जो वो जो मुक्ति के लिए जो बात की गई है वो है जो कर्म के अनुसार है जो बात की गई है, जो कर्म है उसके लिए है जो मुक्ति की है जो मुक्ति साधनों से संभव है। कर्म के साधनों से जो कहीं ना कहीं जो मुक्ति संभव है वो है जो आपका है जो आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किस साधनों से संभव है, तो कौन सा साधन है दोस्तों मीमांसा में, कर्म जो साधन है जिसके कारण है जो मुक्ति है जो संभव है। चलिए मीमांसा का अर्थ होता है खोज, क्या होता है मीमांसा का क्या अर्थ होता है, मीमांसा का अर्थ होता है खोज या छानबीन होता है। इसके दो भाग होते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। मैंने है जो इसकी चर्चा की, पूर्व मीमांसा में धर्म की व्याख्या है, मैंने बताया सद्गुणों, नैतिकता और कर्तव्य के रूप में करती है, और मीमांसा दर्शन शास्त्र में कर्म के सिद्धांत पर जोर देता है जिसके अनुसार है जो कर्म मुक्ति का है जो माध्यम है जो बन सकता है। क्वेश्चन छूटने का कहीं चांस, आपको लगता है कि कहीं से क्वेश्चन छूटेगा, संभव ही नहीं है कि क्वेश्चन है जो छूटेगा इस बार। आप चैनल के साथ जुड़े रहे, मेरे साथ जुड़े रहे, वादा है और विश्वास है और अटूट बंधन है कि आपको कम से कम 110 और 115 नंबर तक है जो पहुंचाने का मेरा है जो वादा है। चलिए जल्दी से है जो सब्सक्राइब है जो जरूर है जो कर दीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति, जो उत्पत्ति के संबंध में जो बात की गई है, उत्पत्ति के संबंध में बात की गई है कि जो धारणाओं के अनुसार चार युगों के चक्र क्रम 21 प्रकार है। जैसे जैसे कैसे है जो इस संसार की उत्पत्ति है, उसके क्रम क्या थे, उसको है जो क्वेश्चंस है, जो बार बार है जो क्वेश्चंस बीपीएससी आप उलट के देख लीजिए, पिछले 10 साल का क्वेश्चन है, कम से कम चार बार एक क्वेश्चन को पूछा गया। कितने बार? चार बार क्वेश्चन को पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है द्वापर कृत त्रेता कली, दूसरा है कृत द्वापर त्रेता कली, तीसरा है कृत त्रेता द्वापर कली, और त्रेता द्वापर कली और कृत। आप जानते हैं दोस्तों कि जो हमारे साथ जो चार युग है, चारों युग की जो बात की गई है, आप है जो कमेंट बॉक्स में है जो इसका आंसर है जो देते जाइए, तब है जो हम इसका आंसर है जो बताएंगे। तो आप जानते हैं दोस्तों कृत त्रेता द्वापर और कली है जो इसका है जो सही आंसर होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर है जो सी है जो इसका है जो सही आंसर है जो होगा। चलिए देवदासी संस्था, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ये जो पूछा हुआ है, जितने भी क्वेश्चन आपको हम पूछ रहे हैं जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछे हुई है उसको कहीं ना कहीं या तो 65 में पूछी, 64 में पूछी, 63 में पूछी, 60 से 62 में पूछी, और 17 बीपीएससी में वही चीज़ होगा यार जो पीछे हुआ है। आगे कुछ नया चीज़ नहीं होने वाला है, उसी का रास्ता है जो उसी का रास्ता है जो आगे है जो तय करता है। तो एक क्वेश्चन पे आ जाइए, छठा क्वेश्चन है कि देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा। देवदासी संस्था, देवदासी संस्था के प्रसंग में, क्वेश्चन को समझिए, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो समाचारों में है जो चर्चित रहा। ऑप्शन है देख लीजिए, जगन्नाथ मंदिर पुरी, पशुपात मंदिर काठमांडू, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, और 64 योगिनी मंदिर है जो भेड़ाघाट। ये है जो आप है जो ऑप्शन है जो इसमें है जो बताइए कि कौन सा आंसर है जो सही होगा, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा और लास्ट में बताइएगा कितना है जो आंसर है जो सही हुआ। तो देवदासी संस्था के प्रसंग जो रूप में है जो दोस्तों है जो जगन्नाथ मंदिर पूरी की है जो चर्चा है जो उसमें है जो की जाती है, देवदासियों की है जो बात की जाती है वहाँ पर, तो निश्चित रूप से है जो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा जगन्नाथ पुरी मंदिर। चलिए, पूरी का जगन्नाथ मंदिर देवदासी संस्था के प्रसंग में है जो चर्चित है जो रहा है। तो हम आपको डिस्क्रिप्शंस के साथ है जो बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे जो किसी प्रकार का क्वेश्चन है जो आपका है जो ना छूटे। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बौद्ध और जैन धर्म दोनों में है जो समान रूप से विद्यमान थे। एकदम इस बार एक क्वेश्चन आने जा रहा है, आप है जो इसको टिक आउट कर लीजिएगा, 5 टिक है जो इसको कीजिएगा, एक क्वेश्चन है जो आप देखिएगा 17 बीपीएससी में क्वेश्चन है जो आपको है जो मिलेगा। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तो है जो हम ऑप्शंस पे आते हैं, तप और भोग का अति का परिहार, दूसरा है वेद प्रमाण की प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलता का निषेध, पर प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो आप जानते हैं दोस्तों कि है जो दोनों में विद्यमान था, हिंसा का निषेध की है जो बात करते थे, तो आपका 4 नंबर हो जाएगा। तीसरा है कर्मकांड की फलता का है जो निषेध, ये भी है जो दोस्तों है जो समानता थी। वेद है जो वेद प्रमाण की प्रति अनास्था, ये भी है। 2, 3, 4 है जो ऑप्शन है जो आपका सही है। अब फर्स्ट देखते हैं, तप और भोग का है जो अति का परिहार, ये है जो समानता नहीं थी, दोनों का है जो अलग अलग है जो बात का है जो किया जाता था। जैन बौद्ध धर्म में तो दोस्तों है जो मानता ही नहीं था, तो निश्चित रूप से है जो ए ऑप्शन है जो नहीं होगा। तो आप किसके साथ, जब ए नहीं होगा तो ई कट गया और ई कट गया, तो आपका आंसर बच गया 2, 3, 4 है जो आंसर बच गया। एलिमिनेशन मेथड से है जो आप है जो इस आंसर को है जो बना सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4। तो इस तरह के क्वेश्चन जैन बौद्ध से क्वेश्चन तय है। आप कहीं भी आप है जो जितना भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, आप एक भी आप क्वेश्चंस को दिखा दीजिए जहां जैन और बौद्ध से क्वेश्चन है जो नहीं पूछा है। 99% हम कहते हैं कि वहां से क्वेश्चन है जो हमेशा है जो पूछी गई है। इसलिए तो छोड़ना क्या है यार, जब पूछा हुआ है तो उसको पढ़ना है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के बीच है जो शेयर कीजिए। तो एलिमिनेशन मेथड से इसको जो हमने जो खत्म कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का है जो प्रयोग है जो उसके माध्यम से है जो होता था। तो आप जानते हैं दोस्तों है कि जो मूर्तिकला में सदैव है जो हरित स्तरित चट्टान का है जो प्रयोग अगर बात की जाए, तो मौर्य में इसकी कोई चर्चा ही नहीं है, मथुरा में भी कोई चर्चा नहीं है, बहुत स्तूप में है जो इसकी है जो चर्चा है दोस्तों, और है जो गंधार मूर्तिकला ये है जो इसका भी है जो नहीं है। तो भरूत मूर्तिकला में है जो दोस्तों है जो हरित स्तरित चट्टान उस पर है जो दोस्तों है जो इसमें है जो आपको जितने भी जो पशु पक्षी सबके जो पेड़ पौधे हैं जो इसमें है जो चित्रित है जो किए जाते थे, और तो भरूत मूर्तिकला में है जो इस प्रकार के चट्टान पे जो उकेरा जाता था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, भरूत है जो मूर्तिकला है जो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसके डिस्क्रिप्शंस पढ़ देते हैं। भरूत स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने
स्थापित करवाए थे। किसने करवाए थे? मौर्य सम्राट अशोक ने। ये भी है जो क्वेश्चन बन गया, आप यहाँ से देख लीजिए। परंतु दूसरी शताब्दी से पूर्व में भी सुग काल के दौरान इन स्तूपों पर कलात्मक कार्य प्रारंभ हुए थे। भरूच से प्राप्त अवशेषों में बुद्ध को पूर्व जन्म की जातक कथाओं के दृश्य तथा वृक्ष, वेदिकाएं, पुष्प, जानवर की आकृतियां आदि है जो रेखांकित कर बनाई गई है। इसी है जो मैंने है जो इसी चीज को है जो बताया था। और भरूच मूर्तिकला सदैव हरित स्तरीय चट्टान का है जो प्रयोग का माध्यम से एक रूप में होता था। तो क्वेश्चन छूटेंगे कहीं नहीं छूटेंगे, संभव ही नहीं छूटेंगे। क्वेश्चन को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि जिससे क्वेश्चन छूटे ही नहीं। तो आप है जो कभी भी है जो आप इस चीज़ को लेकर मत चलिएगा कि है जो हमें बीपीएससी नहीं होगा, एकदम होगा। बस आप अपना है जो अपनी है जो दृढ़ निश्चय इच्छा शक्ति है जो बरकरार रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए और जल्दी से है जो सब्सक्राइब है जो करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों सूची वन सूची। इस बार 2024 के यूपीएससी में है जो इस क्वेश्चन को है जो पूछा है, तो देखिए, और 1996 में भी पूछा है तो रिपीट किया। तो आपको तो एक लॉग वे में है जो चलना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन है जो पूछ रहे हैं, इसको समझने की है जो जरूरत है। तो आप है जो समझने का है जो प्रयास है जो जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है सूची वन और सूची टू, विशाखा दत्त, ब्राह्मीर, चरक और ब्रह्मगुप्त, ये चारों है जो दोस्तों है जो किस क्षेत्र से हैं, तो उसको है जो दिखना है। तो आप जानते हैं ब्रह्मगुप्त है जो गणित से हैं, आप जानते हैं चरक जो है चिकित्सा से है। तो ऐसा भी है जो दिमाग में रखिएगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप जान रहे हैं लेकिन वहाँ कन्फ्यूज कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जो लगाने का है जो प्रयास है जो कर लीजिएगा। विशाखा दत्त नाटक से रिलेटेड, अब कौन सा बच गया, ब्राह्मीर खगोल विज्ञान, तो आपका आंसर है जो निकल जाएगा। तो आप इस तरह के है जो क्वेश्चंस आंसर को है जो बनाने का है जो प्रयास है जो कीजिएगा। तो एक का दो है, बाकी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, फिर बी का तीन हो गया, बी का तीन है तो यहाँ से निकल गया, तो मेरा आंसर है जो निकल गया। तो इस प्रकार से है जो आंसर को है जो बनाने का है जो प्रयास है जो कीजिएगा। चलिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा पृथज्ञ पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति है जो दी गई है? तो इसका इस तरह के क्वेश्चन है जो दोस्तों है जो हमेशा है जो पूछे जाते हैं। बीपीएससी ने भी है जो इस तरह के क्वेश्चन है जो पूछने का है जो प्रयास किया है। तो विवाह विच्छेद की अनुमति की बात की गई है दोस्तों, तो कामसूत्र, मानव धर्मशास्त्र, शुक्र नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र। इसके आंसर आप किस में जाइएगा, इसका आंसर है जो अर्थशास्त्र में है जो दोस्तों है जो विवाह विच्छेद की अनुमति है जो दी गई है। चलिए इसको देख लीजिए, अर्थशास्त्र में पति द्वारा पृथक पत्नी के विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य द्वारा है जो की गई थी या राजनीतिक शास्त्र पर लिखी गई है? ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि अर्थशास्त्र है जो किस पर लिखी गई है, तो राजनीतिक शास्त्र पर है जो लिखी गई है। और विवाह विच्छेद के लिए अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द का है जो प्रयोग किया है, विवाह विच्छेद में अर्थशास्त्र में जो मोक्ष शब्द का है जो प्रयोग है जो किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र है जो आंसर हो जाएगा। चलिए, यह है जो वंश दिया गया है उसके जगह है, उसके जगह से है मिलान करना है दोस्तों। सूची वन और सूची दो को मिलाइए। 1997 में है जो क्वेश्चन है जो पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन कि है जो गुप्त, चंदेल, चालुक और पल्लव, गुप्त से है जो किससे रिलेटेड है, चंदेल किससे रिलेटेड, चालुक किससे रिलेटेड और पल्लव है जो किससे है जो रिलेटेड है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि पल्लव, हमको पहला ऑप्शन मिल गया, पल्लव है जो पनमेल से है जो रिलेटेड है, चालुक है जो बादामी से है जो रिलेटेड है, चालुक है जो बादामी से। तो हमारा डी का दूसरा और सी का पहला है जो मिल गया। अब है जो चंदेल, चंदेल का खुजराहो और गुप्त का देवगढ़। तो इस प्रकार से है जो आपका आंसर है जो आपको है जो मिलने का है जो कहीं ना कहीं है जो प्रयास है जो रहता है। थोड़ा बैटरी है जो प्रॉब्लम, बैटरी थोड़ा ख़त्म हो गई है, तो अगर वीडियो अगर रुक भी जाए तो फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन है जो यहीं से कंटिन्यू करेंगे जब तक चल रहा है, मैं इसको चलाऊंगा। तो इसका आंसर है जो आपने देख लिया कौन सा है जो। चलिए, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में है जो गलत है? कौन सा है जो प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इन पर बढ़िया पॉलिश है सही है, या अखंड है ये भी सही है, स्तंभों के सॉफ्ट सुंडाकार है ये भी सही है, लेकिन है जो स्थापत्य रचना के है जो भाग है जो दोस्तों